एवरीवन, दिस इज निशांत एंड यू आर वॉचिंग कोडर्स फीड। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में जावा के बूलियंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमारी दो स्टेटमेंट होती थी, मतलब वो दो स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता था कि ट्रू हो या फॉल्स हो। केवल दो ही उसके आउटपुट प्रिंट होते थे, या तो आंसर ट्रू होगा प्रिंट या फिर आंसर फॉल्स हो। उसी तरीके से यहाँ पर हमारा जावा के इफ एल्स के मेथड को हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। यहाँ पर हमारा दे रखा है जावा कंडीशंस एंड इफ स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे हमारे डेफिनेशन में क्या दिया कि जावा सपोर्ट्स यूजुअली लॉजिकल कंडीशंस फ्रॉम मैथमेटिक्स, यानी जो लॉजिकल कंडीशंस होती है, जो लॉजिकल चीज़ें होती हैं, उनको जावा में इफ एल्स कंडीशन में हम समझने का काम करते हैं। तो लाइक लेस देन हो गया, यानी कि ए इज़ लेस देन बी, हमने दो ले रखे हैं वेरिएबल कि ए जो है वो बी से छोटा है, और लेस देन इक्वल टू, ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल, नॉट इक्वल, ये सारी की सारी चीज़ें हम अपनी इफ एल्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं कि हमारा कौन सा कोड एग्जीक्यूट होना है, कौन सा कोड एग्जीक्यूट नहीं होना है, कौन सा इफ़ को रेफ़र करेगा, कौन सा और एल्स को रेफ़र करेगा, वो सब हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसा कि हमारा सबसे पहला हम ले समझ लेते हैं कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है। तो इफ स्टेटमेंट क्या होता है ना कि हम किसी एक ब्लॉक कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, है ना। इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक कोड को हम तभी एग्जीक्यूट करते हैं जो हमने कंडीशन दे रखी है वो हमारी ट्रू हो। लाइक अब हम इसके सिंटेक्स को समझ लेते हैं कि हमने, चलो इफ ले लिया कि हमने ब्रैकेट में हमने कोई कंडीशन डाल दी, ठीक है। अब इसके अंदर ये हमारे ब्रेसेस के अंदर बंद है, ब्रेसेस के अंदर बंद होता है यहाँ पर हमारा कोड, जो भी हमारा प्रिंट होने का है, जो भी हमारी कंडीशंस होती हैं, हमने इंटीजर लिया हो, कोई वेरिएबल्स लिए हो, डेटा टाइप डिक्लेयर किया हो, जो भी हो, तभी सेटिस्फाई होगा जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी, तभी ये प्रिंट होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने आईडी पर आ जाते हैं और यहाँ पर अपनी क्लास बनाते हैं इफ स्टेटमेंट के नाम से। हमने इफ स्टेटमेंट के नाम से यहाँ पर अपनी क्लास बना लिया। सबसे पहले हमने इफ स्टेटमेंट नाम से यहाँ पर हमने पैकेज बनाया, उसमें हमने फिर राइट क्लिक किया और यहाँ पर हमने इफ स्टेटमेंट नाम से अपनी क्लास बना ली। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंटीजर हमने लिया एक्स इक्वल्स टू 20, इंटीजर हमने यहाँ पर लिया वाई इक्वल्स टू 18। हमने इसके अंदर कंडीशन डाल दी एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई प्रिंट कर दिया। अब देखते हैं भैया कि एक्स जो हमारा 20 है, वाई जो हमारा 18 है, तो यहाँ पे लगभग ही पिछले वाले जैसा सेम ही है, जो हमने उसके अंदर एग्जांपल लिया हुआ था लगभग उसके सेम ही है। तो 20 तो ग्रेटर देन होता वाई के, तो हमारी जो एक्स की वैल्यू वही प्रिंट होगी, तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, तो हमारा 20 प्रिंट होके आ जाएगा। तो हमारी दूसरी स्टेटमेंट आ जाती है एल्स स्टेटमेंट। अब यूज़ ऑफ एल्स स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई ब्लॉक कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज़ फॉल्स। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तभी हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। अगर हम इसका सिंटेक्स देखें तो सिंटेक्स हमारा कुछ ऐसा है कि इफ़ हमने लिया और उसके अंदर हमने कोई कंडीशन डाल दी, अब वो कंडीशन के अंदर हमारा कोड है कि ब्लॉक कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज़ ट्रू। इसके अंदर का ब्लॉक कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब हमारी इसकी कंडीशन ट्रू होगी। तो हमने ये नहीं देखा था कि अगर मान लो बाई चांस जो हमने इफ के अंदर कंडीशन दी हुई है वो फॉल्स हो जाए तो क्या होगा। तो फॉल्स हो जाए ना, तो उसके नीचे वाला कोड जो इफ कंडीशन के बाहर वाला कोड है, फॉल्स वाला, जैसे हम एल्स बोलते हैं, इफ का मतलब क्या होता है, अगर, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, तब क्या होगा, तो उसके लिए हम एल्स लेते हैं। तो एल्स के अंदर हम क्या करते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज फॉल्स, यानी हमारा जो ब्लॉक कोड, अगर हमारे इफ कंडीशन का जो हमारा कोड होगा वो फॉल्स हो जाएगा, वो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा ये एल्स वाला कोड यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हम एग्ज़ाम्पल में आ जाते हैं, अब हम अपनी आईडीई पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, अपना जो हमारा पहले से स्टेटमेंट जो बना हुआ था इफ एल्स स्टेटमेंट नाम से, यहाँ पर हमारी क्लास बनी हुई थी, तो इंट एज इज इक्वल्स टू हमने ले लिया 65, ठीक है। अब हमने क्या किया, चलो ये हमने डिक्लेयर कर दिया, वैल्यू डिक्लेयर कर दिया एक वेरिएबल को, हमने क्या किया, इफ़ एज इज़ स्मॉलर देन 19, सॉरी हमने इफ़ एज इज़ स्मॉलर देन 20 ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, इफ़ स्टेटमेंट के अंदर डाल दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन दिस इज़, मतलब ही इज़ टीनेजर, मतलब वो टीनेजर है, कि जो 20 साल से कम के होते हैं वो टीनेजर होते हैं या जवान होते हैं, जो भी होते हैं। तो हमने क्या किया, एल्स, एल्स हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ही इज़ अ ओल्ड मैन, अगर हमारी वो कंडीशन ट्रू होती है तो ही इज़ अ टीनेजर प्रिंट होके आ जाएगा, वरना हमारा ही इज़ अ ओल्ड मैन प्रिंट होके आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पे एज जो है वो ज़्यादा है, तो हमारा एल्स वाली स्टेटमेंट ही जाके प्रिंट होगी, तो यानी कि यहाँ पर हमारा ही इज़ अ ओल्ड मैन प्रिंट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा आज के लेक्चर ख़त्म होता है। आपको जहाँ तक उम्मीद है कि इफ एल्स स्टेटमेंट समझ आ गए होंगे, तो हम अपने अगले टॉपिक में एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे कि एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होती है।
तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करके हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। जैसे